गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डिगामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग और वास्को डिगामा ने खोज लिया। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये ऐसा ही है, आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डिगामा ने खोज की थी। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डिगामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसी था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपी इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देश से ज्यादा परिचित थे। यहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक ओर हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए वर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वह किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता था समुद्र का, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली का निवासी था। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गया और अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोज निकाला। वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट तक पहुंचा और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गया। कालीकट अथवा कोलिकोट केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। वास्को डिगामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहां आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहां फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गया और 20 साल वहां रहने के बाद वह भारत वापस आया। 24 मई 1524 को वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक भी है। इसी जगह से उसने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। एस्टावो डिगामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वास्को डिगामा ने उसका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डिगामा 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकला। वास्को डिगामा के बेड़े के साथ
तीन दुभाषी भी थे, जिसमें से दो अरबी बोलने वाले और एक कई भाषाओं और बोलियों का जानकार था। बेड़े में वे अपने साथ एक पेड्रावो यानी कि पाषाण स्तंभ भी यहां से ले गया, जिसके माध्यम से वह अपनी खोज और जीती गई भूमि को चिन्हित करता था।